कहाँ है तू, कहाँ है तू, न्यूज़पेपर की दुकान कहाँ है तू, सारे गामा गारे जाजा, सारे गामा गारे जाजा, रे गामा पामा गारे, रे रे गामा पामा गारे, रे गामा पादा पामा गागा, गामा पादा पामा। So I'm here with Abhinav. And Abhinav, इतना हिलाएगा तो कैसे चलेगा? पनवेल में मैगी वैसी लगती है जैसी मुंबई में लगती है। Hey guys, good morning. This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. तो जैसा कि आपको मालूम है, कल हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए थे टू रिन्यू आवर पासपोर्ट्स. तो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू गो आउट एंड फाइंड आउट फ्यू थिंग्स. सो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे पासपोर्ट्स में सरनेम्स अलग हैं, बिकॉज मैगी हैज अ सरनेम मेघना चैतालिया. अब प्रॉब्लम ये है कि इन केस मैगी एंड मायरा वांट्स टू ट्रैवल टुगेदर, सो दे माइट फेस एनी ट्रबल, क्योंकि मायरा के सरनेम में लोहानी आता है और मेघना के सरनेम में चैतालिया आता है. तो ये एक कन्फ्यूजन है. तो दो तीन चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट की कल, जो मैं जिसके जिस पर मैं भड़क रहा था. ये जो सी काउंटर है, इस पर इतना टाइम लग रहा है जबकि उनको सिर्फ स्टैम्प लगाने होते. तो बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, दिस व्हाट आई फील, और वो आपको बताते हैं कि आपके पासपोर्ट में क्या मिस्टेक है और वो आपको कैसे रेक्टिफाई करनी है. तो उन्होंने बोला है कि आप एक दो पेपर में लिखवाइए और उसका कटिंग यहाँ पर दिखाइए, सो दैट वी कैन चेंज दैट, वी कैन गो इन दैट प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नेम. हालाँकि कल न्यूज़पेपर में मैगी ने डलवा दिया था, आज जाके मुझे उसकी कॉपी लेके आनी है, इनकेस अगर कल वापस पासपोर्ट ऑफिस में दिखाना पड़ता है या जो भी करना पड़ता है. और वो इसी डेट का होना चाहिए था. सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस दिन आपने अप्लाई किया है, आप ऑफिस में आए हो, उसी दिन ही आपका ये जाना चाहिए. तो उसने कल रात को ही ये पूरा प्रोसेस कर दिया था मैगी ने. आई नीड टू फाइंड आउट दोस पेपर, क्योंकि वो पेपर इतने लोकल हैं कि ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मिलेंगे. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये कि वो पेपर. सब्जी से लेके मछली तक, शराब से लेकर चाय तक, सारी दुकानें दिख गई हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं ढूंढने निकला हूँ वो नहीं मिल रही है, और वो है न्यूज़पेपर स्टॉल. और ये हमेशा होता है कि आप जब जिस चीज़ को ढूंढने निकलते हो ना, वही नहीं दिखती है, बाकी सब दिख जाता है. आज शरद और कीर्ति की एनिवर्सरी पार्टी भी है, और आई डाउट कि मैगी और मायरा आ पाएंगे, बिकॉज मायरा का कल एग्ज़ाम है और मैगी सुबह 6 बजे उठती है, उसकी योगा क्लासेस होती हैं, तो हाईली डाउटफुल. और ये भी है कि बिकॉज शरद कीर्ति की पार्टी थोड़ा लेट ही शुरू होती है एंड लेट तक चलती है, तो दोनों ही कंडीशन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन किसी को तो जाना पड़ेगा, सो आई थिंक आई विल गो अलोन, लेकिन बाकी शाम तक देखते हैं. पहले एक टाइम था जब हर गली नुक्कड़ पे आपको कुछ मिले ना मिले, चाय की टपरी और न्यूज़पेपर का स्टॉल ज़रूर होता था. लेकिन अब जब से नेटवर्क ई न्यूज़पेपर आने शुरू हुए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, उससे पहले से ही, तब से मैं देख रहा हूँ कि मुझे हार्डली न्यूज़पेपर का स्टॉल बॉम्बे में दिखता है. अदरवाइज़ आपको कुछ मिले ना मिले, चाय और न्यूज़पेपर तो आपको हर गली के कोने पर मिल जाता था. अब नहीं होता है. मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, मुझे एक भी न्यूज़पेपर का स्टॉल मिला नहीं है. क्योंकि अब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पेपर्स, नॉट ई पेपर्स, वो मेजरली पुराने लोग ही हैं. नए लोग तो सब या तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर ऑनलाइन देख लेते हैं कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है, यूट्यूब पर जाके वीडियो पूरा देख लेते हैं, दे डोंट रीड न्यूज़पेपर. तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये अ फ्यू इंचेस लेटर न्यूज़पेपर मुझे मिला नहीं. देन वी स्पोक टू द गाय जिसने ये प्रिंट कराया था, और वो नॉर्मली प्रैक्टिस भी है, लेकिन थोड़ा सा मैगी को अर्जेंसी था कि अगर आया है नहीं आया है, अगर पेपर हाथ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा. तो फाइनली दैट गाय इज सेंडिंग द न्यूज़पेपर कुरियर से. सो मैं वापस आ गया हूँ, और एज आई सेड कि जो मेरा
1 hour रनिंग एवरी डे का चैलेंज है फॉर 14 डेज, उसका आज डे नंबर 3 है। कल तो ज़्यादा रनिंग हो नहीं पाई थी क्योंकि पूरा दिन पासपोर्ट ऑफिस में गया और उसके बाद रात को मैं क्रिकेट खेलने गया था, उसमें बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। मेरी दो टी शर्ट पूरी तरह भीग गई थी और घर आने के बाद मैं इतना थक गया था कि मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं उठूँगा, जाऊँगा ब्रेक लेने के बाद, आई गो एंड रन फॉर हाफ एन आवर, लेकिन बिल्कुल शरीर ने बोला बेटा आराम कर ले अगर कल दौड़ना है। 5-7 मिनट का पहले वार्म अप करता हूँ और उसके बाद स्ट्रेट अवे हाफ एन आवर रनिंग। सो 30 मिनट्स का टाइमर स्टार्टेड। ओके सो लेट्स रन। Later. So 30 minutes of running done, 300 skipping done और basic stretching done. अभी घर जाता हूँ, दाल खाता हूँ बहुत सारा सैलेड खाता हूँ और सीधा एडिटिंग में बैठता हूँ क्योंकि आज का व्लॉग लेट नहीं हो सकता। 1 hour later. चलो 5:10 पे ही सही, लेकिन ये व्लॉग आज अपलोड हो गया। 10 मिनट लेट था बट ठीक है, अपने टाइम पे अपलोड हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना ऐसा होता है कि एक बार चीज़ें रुक जाती हैं तो उसके बाद वापस ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाता है। Eventually, टाइम टू गो टू शरद एंड कीर्तिस एनिवर्सरी पार्टी। इट्स ऑलरेडी 10:15, एक्चुअली 11, इट्स 11 PM। मायरा भी आना चाहती थी लेकिन फिर मायरा को कैसे लाती बिकॉज कल उसका एग्जाम है, तो मायरा और मैगी दोनों बैकआउट कर गए क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, मैगी की सुबह क्लास होती है और मायरा का एग्जाम है। So I'm just going alone to wish Sharad and Kirti there. So let's go. संडे की शाम है, इनफैक्ट रात है, कल लोगों के ऑफिस हैं, लेकिन फिर भी इतना ट्रैफिक है कि पूछो मत। So finally, I have reached at Sharad Kirti's building. Now I'm going up. शराब की जरूरत नहीं पड़ती है, चाय अपनी ले काफी है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, इनको हैप्पी बर्थडे बोलो। दो फाइल है और इस चेक करके इससे मंगवा दो। मिस यू दैट डे, सो आई एम हियर विद अभिनव एंड अभिनव इतना हिलाएगा तो कैसे चलेगा? अरे भाई ब्लॉगर साहब, इसको मैंने बोला था तू जंगलों में जाता है मैगी बनाता है, कैसे पनवेल बनवेल चलते हैं मैगी बना के, तो गिला कैसी लगती है जंगलों में? पनवेल में मैगी वैसी लगती है जैसी मुंबई में लगती है। अरे बट एक जंगल का फील आएगा ना, जंगल में बैठ के हम लोग मैगी बना रहे हैं, जंगल है ना, अरे क्रीक है ना, वहाँ पे जाके बैठ के जो तेरा टेंट वाला एटमोसफियर होता है तो तेरे को यही बना देता हूँ। नेशनल पार्क में जहाँ जाना है, अरे में तो बोल देते हैं भाई साहब, अरे में तो अलाउ ही नहीं करते, बोल देते हैं भाई साहब जाओ, टिकट है। मैं तो बहुत खोजिन बार, ये हमारी लड़की क्रिकेट की फैन है, शी लव्स क्रिकेट। पिछली बार इसी के बारे में बात करी, शी वाज वाचिंग अ टेस्ट मैच टुडे द होल डे। ओह माय गॉड, वाओ बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू। आर यू बाइंग न्यू हाउस फॉर योर किड्स? देयर आर किड्स एंड किड्स एंड किड्स। ये उसी किड की बात हो रही जो मैं कल दिखा रहा हूं, इस बार तो ह्यूज है, बड़ी है जो मुझे चाहिए थी। नहीं तो मैं ये वाली किट हटा दूंगा। हां भाई बोल, पुरानी किट हटा दे, देखी किट हां ये अच्छी रहेगी, मैं छोटी सी, ये बड़ी है। अब फिर देना ब्लू वाला फट गया। देखो पति पत्नी के बीच बाकी चीजों पे झगड़ा हो नहीं हो लेकिन मैचों के लिए हो सकता है। भाई भी खेल
खेलने गया मैं दो मैच कहाँ खेलता कुत्ते सुमाया में गया खेलने वो सुमाया बहुत अच्छा ग्राउंड था उस दिन भाई दो ओवर बोलिंग करके आया मैं ओपनिंग में मैं बाहर के बैठ गया मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा 12 बजे अपने बस की नहीं है अब गया वो टाइम शी इज पार्टिंग पिक्सी इज पार्टिंग तो अभी बजे हैं 1:40 हो गया है तो मेरी बैटरी हो रही है डाउन आई थिंक आई लीव नाउ तो अभी मैं चलता हूँ एंड इस व्लॉग को ही ख़त्म करता हूँ सो दिस इज़ राहुल लोहानी आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग माई व्लॉग्स गुड नाइट शुभरात्रि